जी दोस्तों, हलीम की तैयारी शुरू करते हैं। दलिया, ये एक पाव मैंने गेहूं का जो है वो दलिया ले लिया है। ये मेरे पास दलिया है एक पाव गेहूं का, ये मैं इसमें शामिल कर लूँगा। आधा पाव चने की दाल इसमें शामिल करेंगे। 50 ग्राम इसके अंदर जो है वो जौ का दलिया है मेरे पास, ये हम इसके अंदर 50 ग्राम शामिल करेंगे। 50 ग्राम ये माश की दाल है मेरे पास, ये इसमें शामिल कर देंगे। 50 ग्राम दाल है मेरे पास, ये भी इसके अंदर 50 ग्राम हम शामिल करेंगे। ये 50 ग्राम मेरे पास मसूर की दाल है, ये चली जाएगी इसके अंदर। 50 ग्राम ही मेरे पास जो है वो राइस है, कोई से भी राइस शामिल कर लीजिए। मेरे पास बासमती अच्छे वाले राइस है तो मैं वो शामिल कर रहा हूँ। 50 ग्राम राइस इसमें चले धो के रखूँगा, 2-3 दफ़ा पानी से इसको मैं धो लूँगा और फिर इसको पानी में भिगो के रखता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, पानी के अंदर हमने अपना अनाज जो है वो सारा ये देखिए भिगो लिया है और बस तकरीबन इसको जो है वो 1 से 1.5 घंटे जो है वो इसी पानी के अंदर भीगा रहने देंगे। चलिए जी दोस्तों, तैयारी करते हैं मसाले की। हलीम के लिए बनाते हैं ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो हलीम में भी शामिल होगा और हमारे जो है वो कौरमे में भी शामिल होगा। एक जगह मसाला बनाते हैं, फिर इसको डिवाइड करेंगे। डेढ़ खाने का चमचा मैंने जो है वो लाल मिर्च ले ली है। 1 खाने का चमचा मेरे पास सॉल्ट है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और इसी तरीके से ये 1 और ये 2 खाने के चमचे मेरे पास जो है वो धनिया है और हल्दी चली जाएगी 1 चमचा, ये हमने डाला और ये दूसरा चमचा भी डाला। हलीम का कलर ज़बरदस्त किस्म का आना चाहिए। ये 2 खाने के चमचे मैंने हल्दी इसमें शामिल की है। इसके अंदर चला जाएगा तकरीबन जो है वो 3 खाने का चमचा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये तकरीबन 3 खाने के चमचे मेरे पास चले जाएगा। जी दोस्तों, इसमें पानी शामिल करेंगे हम और बस इसका एक पेस्ट हम बना लेंगे जो हमने अपने अनाज में भी डालना है और कौरमे में भी डालना है। ये देखिए, और ये आपको एक और मैं बड़ी टेक्निक वाली बात बताऊं कि जितना हम इसको पानी में भिगो के रखेंगे ये मसाला हमारा इतना फूल जाएगा, यानी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मसाले को जो है वो पानी में भिगो के रख दीजिए और ये मसाला भी जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, ज़बरदस्त मसाला हो जाएगा। बस जब पानी बॉयल करूँगा अनाज के लिए तो उसमें भी ये शामिल करूँगा, कौरमे में भी शामिल करूँगा। कोई अलग मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई धनिया डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह का मसाला जो है वो आप बना लीजिए और फिर हलीम में शामिल कीजिए। अभी ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको दिखाता हूँ। ये मसाला हमारा तैयार हो गया हलीम का और कौरमे का। जी दोस्तों, कौरमे के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये 3 दरमियाने साइज की प्याज ले ली हैं, रफली मैंने इसको जो है वो काट लिया है। मसाला आपके सामने बना चुका हूँ, ये ड्राई मसाले हैं। इसमें तकरीबन 10-12 जो है वो काली मिर्चें हैं, 10-12 लौंग है, 2 दालचीनी है और 2 बड़ी इलायची हैं, 1 चाय का चमचा जो है वो जीरा है, 3 तेज़पात है मेरे पास। ये खड़े मसाले हैं। गोश्त मैंने ले लिया है, ये 1/2 kg गोश्त है मेरे पास, इतने बड़े मैंने इसके जो है वो पीसीस करवाए हुए हैं। ये देख लिए, इसका रेशा ज़रा अच्छा बनेगा तो मैंने बड़े पीसीस ये करवा लिए हैं। तो कौरमे की तैयारी शुरू करते हैं। बड़ा सिंपल सा और बड़ा सादा सा कौरमा इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आपको कि हलीम के लिए किस तरह बनेगा। 100 ग्राम मैं ऑयल शामिल करूंगा, ये 100 ग्राम इसके अंदर ऑयल चले जाएगा। ऑयल के बाद इसके अंदर चले जाएंगे ये खड़े मसाले जो हैं मेरे पास, जो मैंने आपको बताए थे, ये खड़े मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं इसके साथ भूनूंगा, यानी इसकी खुशबू जो है वो इस ऑयल के अंदर आ जाए। जी दोस्तों, प्याज हमने इसके अंदर शामिल की है और ये 3 दरमियाने साइज की जो प्याज थी मेरे पास वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। प्याज को हमने कोई फ्राई नहीं करना। देखिए, प्याज हमारी जो है वो सौते हो गई है, इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर जो है वो मीट अपना शामिल करूँगा ये, और मीट को भी थोड़ा सा हम ऑयल में और प्याज के साथ जो है वो भून लेंगे। गोश्त हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब इसके अंदर आके मैंने जो ये मसाला अपना बनाया था, जो आपको दिखाया था, ये 1/2 मसाला मैं अपना इसके अंदर मीट के अंदर शामिल करूँगा। और अब बस इस मसाले के साथ जो है वो मैंने इस गोश्त को जो है वो अच्छे से जो है वो भून लेना है। फिर इसमें पानी डालूँगा इंशाल्लाह ताला और इसको गलने के लिए मैं छोड़ दूँगा। बस इसको अभी मैं इसके साथ भूनता हूँ, ऑयल मेरे ऊपर आता है तो इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए हमने छोड़ देना है। जी दोस्तों, देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 लीटर जो है वो पानी शामिल करना है और बस अब इस कौरमे को मैंने जो है वो पकने के लिए छोड़ देना है।
और दोस्तों अनाज के लिए मैंने पानी जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्निक है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से अपने हलीम को तैयार करना है। ये जो मैंने मसाला बनाया था ये मैंने तकरीबन इस 3 लीटर जो है वो पानी के अंदर जो है वो शामिल कर देना है। ये देखिए बस इसी तरीके से मैंने इसको शामिल कर देना है और इसको मैंने जो है वो एक दफ़ा चला देना है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये इसके अंदर पकेगा, बॉयल होगा, इसकी जो भी मसालों की बास होगी वो इसके अंदर से निकल जाएगी। ये देखिए जी दोस्तों, देखें अच्छा सा इसमें ज़बरदस्त किस्म का खोल आ गया, इसकी स्मेल जो है वो सारी बाहर निकल गई, जिसमें धनिया, हल्दी, मिर्चे, नमक और अदरक लहसुन मैंने डाला था। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर अनाज शामिल करते हैं इसके अंदर और फिर इसको पकाते हैं। तो ये अनाज मैंने जो 1.5 घंटे पहले भिगोया था इसको मैं शामिल करूंगा इसके अंदर और बस ये अनाज इसके अंदर चला जाएगा और इंशाल्लाह ताला इसी के अंदर इस अनाज को हमने गलाना है और ज़बरदस्त किस्म का हमारा हलीम तैयार होने वाला है। ये 10 किस्म का इंशाल्लाह ताला अनाज हमारा गलेगा इसी के अंदर, कलर भी आ जाएगा इसके ऊपर, सारा जो स्पाइसेस के टेस्ट हैं वो भी इसी के अंदर रहेंगे। कोरमा हमारा तैयार हो रहा है तो 1.5 घंटे के लिए इसको हम कवर्ड करके रख देते हैं। जी दोस्तों माशाल्लाह से देखिए कलर इसका ज़बरदस्त किस्म का आ गया, चीज़ें बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं। ये देखिए बस अब इसको जो है वो हम इसी तरह थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर इसके बाद जब इसको मैं घोटता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों देखिए ये मैंने आपको दिखाया हलीम हमारा जो है वो गल चुका है सारा का सारा। अब इसको घोटने की बारी आती है, वो घोटना है किस तरीके से घोटना है ये बताता हूँ आपको। ये मैंने ग्राइंडर ले लिया है, जग है मेरे पास देखिए ग्राइंडर का, इसके अंदर मैंने इसको जो है वो इस तरीके से शिफ्ट कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा कर लिया था मैंने इसको और इसको मैंने इसके अंदर जो है वो शिफ्ट करना है। बाजार में भी जो हम हलीम खाते हैं वो मशीनों से ही घुटा हुआ होता है, घोटे उसके ऊपर नहीं लगाए जाते, लेकिन इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये और 2 से 3 हमने इस तरीके से बस चलाना है इसको। ये देखिए इसका रिजल्ट माशाल्लाह से, ये देखिए ये जबरदस्त किस्म का जो है वो हमारा हलीम जो है वो घुट चुका है और बस इसी तरीके से आपने जो है वो इस हलीम को जो है वो घोटना है और बहुत जल्दी से आपका हलीम ये तैयार हो जाएगा। बस सारे हलीम को हमने इसी तरीके से घोटना है फिर इंशाल्लाह अगली तैयारी करते हैं। कोरमा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है हमारा, गोश्त हमारा इस हद तक गल गया, ये देखें बिल्कुल रेशे रेशे गोश्त हो रहा है। इसको मैं निकालता हूँ, इसके रेशे बनाता हूँ और हलीम हमारा जो है वो अनाज हमारा बिल्कुल तैयार है। ये देखिए जबरदस्त है, नहीं सही भाई, जबरदस्त किस्म का हलीम हमारा तैयार है। बस इसके अंदर कोरमा शामिल करेंगे, इसकी घुटाई छुटाई करेंगे और फिर इसमें बघार लगाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों गोश्त हमारा देखें, जबरदस्त किस्म के रेशे जो है वो इसके, ये देखिए इतना गलाना है अपने गोश्त को कि इसके रेशे जो है वो सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल रेशे इसके अलग अलग हो गए, जरा सा घोटा इंशाल्लाह ताला इसको लगेगा तो ये बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएंगे इसके जो रेशे हैं। जी दोस्तों ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है इसके अंदर डालने के लिए और ये गोश्त हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके मसाले भी हम इसके अंदर डालते हैं, जो कोरमे का हमारा मसाला है और ये कोरमे का जो हमारा मसाला था ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला इसमें मैं घोटा लगाता हूँ। जी दोस्तों ये हमारा घोटा आ गया है, इसको जो है वो घोटा कहते हैं और ये जाएगा इसके अंदर और बस इस तरीके से हमने जो है वो इसकी घुटाई करनी है ज़बरदस्त किस्म की और इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट हम घुटाई करेंगे तो हमारा, क्योंकि गोश्त बिल्कुल जो है वो गला हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का हुआ हुआ है, हमने सिर्फ अपने हलीम के अंदर इसके रेशे जो है वो तगड़े करके जो है ना वो मिला लेने हैं और इंशाल्लाह ताला देखिएगा फिर। ये देखें लेस भी इंशाल्लाह ताला इसका अभी से जो है वो जबरदस्त किस्म का लेस इसका बना हुआ है, ये देखिए। और जब इसको 15 मिनट मैंने घोटा लगाना है फिर इसकी कंडीशन ही आपको अलग नजर आएगी। चलिए जी दोस्तों हलीम जो है वो हमारा घुट चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह हलीम हमारा घुटा है, फिर बघार लगा के भी दिखाता हूँ। ये देखिए जबरदस्त किस्म का रेशे वाला हलीम जो है वो तैयार है और इतनी जल्दी ये तैयार हुआ है, इतना जबरदस्त इंशाल्लाह ताला ये खाने में मजा आएगा। और बस बघार की तैयारी करते हैं। ये बघार के लिए मैंने गरम मसाला पीस लिया है, जीरा पीस लिया है और पुदीना है। इसको हम इस तरीके से, ये रिवायती हमारा जो है वो बघार का सिलसिला होता है,
जो कई धाइयों से जो है वो हलीम हमारे यहाँ बनता था उसके ऊपर बघार हम इसी तरीके से लगाते थे। ये गरम मसाला आ गया इसके ऊपर, एक चाय का चमचा, और ये जीरा, ये पिसा हुआ जीरा एक आ गया। बस इसके ऊपर मैं बघार डालता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। चले दोस्तों, गरम मसाला, जीरा और पुदीना हमने इसके ऊपर डाल दिया है। ये हमारी फ्राई प्याज आ गई इसके ऊपर बघार के लिए, जो अभी हमने बघार के लिए तैयार की है, और इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म की इसके अंदर खुशबू आएगी। सिर्फ आप ये देखें, इसके बाद जो है वो इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो ये अदरक है, ये अदरक मैं इसके ऊपर डाल दूंगा थोड़ी सी। और यही बघार जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना ज्यादा जो है वो मशहूर है कि जब हम हलीम बनाते थे अपने गलियों के अंदर, घरों के अंदर, तो ये बघार हमारा देखने के लिए लोग आते थे। ये ऑयल जो है वो गरम है और ये ऑयल इसके ऊपर चला गया। बस अब मैंने इसको जो है वो कवर्ड करके जो है वो रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए इसको ढके हुए, और बस अब ये देखिए बघार कितना जबरदस्त इसके ऊपर लगा है और हलीम के ऊपर रौनक आ गई बघार लगाते ही। और सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि इसके आप रेशे देख लें कितना जबरदस्त किस्म का, ये घर में हलीम आपके तैयार हुआ है। इसका कलर देख लें, इसके रेशे देख लें, इसमें गोश्त का बैलेंस देख लें, अनाज आपको कहीं इसके अंदर नजर नहीं आ रहा होगा। और बहुत इजीली टेक्निक से मैंने बताया है, कोई चीज आपको करने की जरूरत नहीं, किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इजी रेसिपी है ये। बस इसी तरह आपने अपने घर में इस मुहर्रम में जो है वो हलीम बनाना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। और यही कोशिश है काविश, अगर आपको हमारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मजीद रेसिपीज के लिए खांजी फूड्स 99 देखते रहिए। अपने शेफ एहसन इमरान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अपना, अपनी फैमिली का और गिर्द नवा में रहने वाले जरूरतमंद दोस्तों का जरूर ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।